दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ ओवरलॉक मशीन जो फोर्थ थ्रेड है उसमें धागा कैसे डालते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है सुई का धागा डालना मैं आपको सिखाता हूँ। और देखिए इस हॉल में धागा डालते हुए इस हॉल में, और उसके बाद हमें टेंशन के गाइड में डालना है और फिर घुमा के हमें टेंशन में लेके और टेंशन के नीचे वाले गाइड में हमें धागा डालना है। मैं डाल के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो है या इससे आगे जो है गाइड है, इस गाइड में धागा डालना है आपको। मैं डाल के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरीके से डालना है। उसके बाद थोड़ा सा जो है मशीन को आपको घुमा लेना है और फिर इसके अंदर से भी आप ले सकते हैं धागा और इसके ऊपर से भी ले सकते हैं, जैसा आपको सेटिंग अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमें धागा डालना है नीडल के ऊपर जो गाइड लगा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये नीडल के ऊपर गाइड है, इसके अंदर मैंने धागा डाल लिया है। उसके बाद देखिए नीडल में जो एक छोटा सा टेंशन लगा होता है उसके अंदर हमें धागा डाल लेना है। उसके बाद जो है नीडल वाला गाइड है उसके अंदर हमें धागा डाल लेना है। और लास्ट में जो है नीडल में आपको धागा डाल लेना है। इसी तरीके से जो है आपका धागा जो है एक धागा कम्प्लीट हो चुका है। तो देखिए एक धागा हमारा कम्प्लीट हो गया है। और इसी तरीके से आपको जो है नीडल वाला धागा डालना है। और आइए आप, मैं आपको दूसरा धागा जो है डाल के दिखाता हूँ कैसे डलता है। तो दूसरा धागा मैंने ले लिया है। इसी तरीके से जो है आपको हॉल में डालते हुए टेंशन में और फिर टेंशन के नीचे वाले गाइड में डालना है धागा। नीचे वाले गाइड में डालने के बाद आपको ये जो दूसरा हॉल दिख रहा है, एक ये है और दूसरा ये है, इस वाले हॉल में आपको डालना है धागा। और उसके बाद जो है नीचे के गाइडों में धागा डालना है आपको। तो नीचे की गाइड आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। देखिए पहला गाइड तो ये है, इसमें हमें धागा डालना है। और दूसरा जो है इसको हल्का सा ऊपर करके पहिया को, और ये देखिए इसमें गाइड डालना है धागा। और फिर ये देखिए इसमें जो है गाइड में दो हॉल है, तो आपको अंदर वाले हॉल में धागा डालना है। उसके बाद जो है इधर ऊपर धागा डालना है। और यहाँ के बाद जो है कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है छोटे लूपर में धागा डाल देते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ से यहाँ नहीं डालना धागा, मैं बताता हूँ आपको कहाँ डालना है धागा। यहाँ से जो है पहले इधर इधर पड़ेगा धागा अंदर वाले गाइड में, उसके बाद जो है लूपर में पड़ेगा। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने जो है अंदर धागा डाल दिया है और उसके बाद जो है अब लूपर में पड़ेगा ये धागा। मैं डाल के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से लूपर के अंदर धागा पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको धागा डाल लेना है। और उसके बाद जो है आपको मशीन को हल्का सा घुमा के और इसको जो है लूपर को इस साइड को बाहर निकालना है और चिमटी से धागा खींच के और लूपर में, देखिए छोटे लूपर का धागा जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से डाल लेना है आपको। आइए मैं आपको तीसरा धागा दिखा देता हूँ। देखिए इसी तरीके से जो है तीसरा धागा भी डलेगा। और ये देखिए टेंशन के जो है हॉल में डाल लेना है आपको, और उसके बाद जो है टेंशन के थालियों में और फिर नीचे वाले गाइड में टेंशन के। फिर एक जो हॉल ये खाली रह गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर हमें उस हॉल में डाल लेना है धागा। और नीचे से निकाल के मैं बता रहा हूँ आपको कौन से गाइड में धागा डालना है आपको। तो देखिए इस वाले गाइड में डालना है धागा, उसके बाद जो है आपको इस वाले गाइड में धागा डालना है और फिर उसके बाद जो है ये बाहर वाले हॉल में धागा डाल लेना है। और उसके बाद जो है आपको जो है इस वाले गाइड में धागा डालना है। और उसके बाद जो है लूपर में, जो बड़े लूपर में जो चिपका हुआ है गाइड, हमें उसके अंदर जो है धागा डालना है। उसके बाद चिमटी की मदद से हमें उस पार निकाल लेना है धागा को। और फिर मैं जो हूँ लूपर में धागा डालना आपको बताता हूँ किस तरीके से डलेगा। तो पहले जो है हमें उस साइड से इस साइड को जो है धागा डालना है, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से उस साइड से हमें इस साइड धागा डाल लेना है। और उसके बाद जो है हम धागा को पकड़ के चिमटी की मदद से फिर हमें उस साइड को डाल देना है धागा को। और उसके बाद जो है लास्ट धागा हमारा बड़े लूपर में अब पड़ जाएगा। फिर डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से मैंने जो है बाहर इस तरीके से निकाल लिया धागा को, और उसके बाद जो है ये मैंने लूपर के लास्ट हॉल में धागा डाल दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से धागा डालना है। और एक बार मैं बता दूँ, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से घुमा के फिर इधर, फिर इस वाले गाइड में, फिर इस गाइड में, फिर इस तरीके से इस वाले गाइड में, फिर इस तरीके से इस गाइड में। उसके बाद जो है आपको इस टेंशन में डालना है, फिर इस गाइड में, फिर
लास्ट में निडल में डालना है। तो दूसरा धागा मैं आपको दिखा दूँ, देखिए दूसरा धागे का भी यही तरीका है, इस वाले हॉल में फिर घुमा के इधर, फिर टेंशन के अंदर, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था नीचे, फिर इस हॉल में, फिर इस गाइड में, फिर इस गाइड में, फिर आपको जो है इस गाइड में डालना है, फिर इस गाइड में डालना है धागा, फिर इस गाइड में डालना है, फिर ये इसमें जो है आप डालना भूले नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद लूपर, और जैसा कि मैंने आपको बताया था उस साइड को इसी तरीके से धागा डालना है। तीसरा धागा देखिए मैं बता दूँ, टेंशन में होते हुए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने वीडियो में देखा, और इन हॉलों में होके, इन गाइटों में और इन गाइटों में होते हुए आपको बड़े लूपर में धागा डालना है। तो मैं बड़ा लूपर एक बार दिखा दूँ आपको, देखिए बड़े लूपर में जो है उस साइड से हमें धागा उस साइड से जो है इस साइड में डालना है, जैसा कि ये धागा आप देख रहे हैं, देखिए ये धागा है, और उसके बाद जो है आपको इधर निकाल के इसमें डाल देना है। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद आपको दोनों कवर लगा लेना है दोनों साइड के, और उसके बाद जो है आपको पैर को भी लगा देना है। तो इसी तरीके से जो है हमारा धागा जो है कंप्लीट हो चुका है और डल चुका है धागा। आपको भी इसी तरीके से डालना है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं।